एडी धुप्पी चाह ना पीवी होने के काले हो जाओगे। गेट की तैयारी जा रही है जी। इस दीवार ने अब अंदर से प्लास्टर हो जाने, इसके बाद स्टोर जो है ना ये मुकम्मल बंद हो जाएगा। स्टोर खुला हो ना तो कोई समझ नहीं आती, कोई आ रहा है अंदर, कोई जा रहा है, कोई मट्टी जा रही है, कोई मक्खियाँ जा रही हैं, तो कहते हैं कड़म कड़माश जो है ना वो मचा रहता है हर वक्त। अभी यहाँ पे एक लाली बैठी हुई थी, उड़ के गई है। अब ये लाली की वीथ है जो पानी में पड़ी है। अब ये देखिए, ये इधर भी लाली गंद डाल दी। अभी तो ये इधर ये पहले टप है, अब जो वो एंड वाली जहाँ पे कोई जाता नहीं तो वहाँ पे तो मीना बाजार लगा होता है ना लालियों का। गेट तैयारी के मराइल में है जी, फैक्ट्री वाले को बाल उठा रहे हैं, इधर जंतर का रश्का आ चुका है भर के। ये देखा जी, दिन को लालियों की वजह से ना टप साफ करने पड़ते हैं, पानी चेंज करना पड़ता है, इस कदर इन्होंने यहाँ पे गंद डाला। अब हम कराची से बाज पता कर रहे हैं, बाज लेके तो इधर बिठा रहे हैं। ऐसे बाज भी होते हैं जो सिर्फ बैठे रहते हैं, उन्हें देख के लालियाँ भाग दी। देखिए अब बाद आता है कि यहाँ फिर हम इनका लालियों का शिकार खेलते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इन्होंने तंग बहुत किया हुआ है और एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हमारे नुकसान जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। पर हमें पता भी नहीं चल रहा कि नुकसान क्यों हो रहा होता है ना, इसलिए ये एक्शन ज़रूरी है। ओह सोए वो उठा दिया, अब हैर नहीं। मुझे हम लालियाँ उड़ा रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ये हमारा लाली फार्म है। अच्छा फार्म पर आया, साइड पे खड़ा है। ये वो वाला जो इसको हो गया था ना मसला, ब्रांच वाला। हेलो बेबीज, हनुमान जोला की ग्रोथ बड़ी कम आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ग्रो ही नहीं हो रहा। ये देखिए काबिले जिक्र ग्रोथ ही नहीं इसकी हो रही, मेघनियों पर बहुत ज़्यादा तैर रही हैं। ये ब्रूथ तेज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये खराब हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, मुमकिन है वैसे। जबकि अजोला की ग्रोथ ठीक है, अगर ब्रूथ तेज़ होता तो अजोला भी ना ग्रो करता, ठीक है ना। अजोला ठीक जा रहा है, पर हम देखें फिर क्या बनता है। तीन बार ऐसे करते हैं तो बंद हो जाता है, बहुत हो गया है, दो बार किया। अच्छा जी, चूंडियाँ ऊपर आई हुई हैं, लगता है मॉइस्चर ज़्यादा है। ये देखें मॉइस्चर ज़्यादा है, चूंडियाँ ऊपर आई हुई हैं, जब चूंडियाँ ऊपर आ जाए ना तो फिर इनके भागने के भी चांसेस बन जाते हैं।
ये फिर आप फरार होने का सोचेंगे क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए ना, तो ये फिर नहीं दिखती। अतनान साहब यानी आप कहाँ पे इसे कहते हैं मॉइस्चर ज़रा कंट्रोल रखें, वरना इन्होंने प्री प्यूपा स्टेज पे पहुँचने वाले हैं, ये ना ये दौड़ लगा दी। अदनान साहब से कह दिया कि लारवा का मॉइस्चर जो है ना थोड़ा डाउन करें, क्योंकि 60 और 65 मॉइस्चर पे ना ये बेहतरीन काम करते हैं ना, 70 पे जाके ना ये फिर परेशान हो जाते हैं। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दिन के वक्त जनाब माना टेरिटरी से गुजरे हैं, जो कि अब वीरान हो चुकी है, क्योंकि माना जो है ना वो अब शहर छोड़ के जा चुका जी। इस पे तो टाइम का भी नहीं पता चलता, अभी सिर्फ ब्लूटूथ ही अटैच हुआ, लैंग्वेज को नहीं चेंज हुई। अंदर जगह कौन आया, गाड़ी भी दिख रही, कौन कौन आया? टायरे तू आए रे जो साहब विजिट कर कमर जमान अली शाह राणा, नहीं कमर जमान नहीं हो रही है कोई, अंदर जगह कोई नहीं है छत पे आके देख रहे हैं कौन आया है। कौन आया हुआ मेहमान तो काफ़ी सारे आए हुए हैं, कुछ मेहमान तो चले गए। मेहमान आ गए, मेहमान बिलाहर सारे चले गए, शाम होने को है जी, बच्चों को दूध शायद इन्होंने पिला दिया है। यहाँ तो थोड़े से रह गए हैं, तो यहाँ भी सारे रह गए हैं, इन्होंने पी लिया पीना ने इस टोले ने दूध पी लिया सारे, अब इनसे चैन नहीं हो पा रहा। वजह यह है कि पेट भर गया ना, अब इनका दिल है छलांगे लगाने में कि हमें अब ये खोलें तो हम ही जनाब छलांगे लगाए। ये बहन भाई भी काफ़ी बेहतर है कमज़ोर, एक एक तो ठीक है। मौसम अच्छा है ना, बकरियाँ इस टाइम बाहर निकल जाती हैं और अक्सर बकरियाँ रात को बाहर बैठी होती हैं। देखिए किस तरह किस कदर हल्ला गुल्ला अंदर, तो क्या नींद से हो रहा है। जब ये बैठती हैं बकरियाँ कितनी मिट्टी उड़ाती हैं, ये मिट्टी बड़ी खतरनाक होती है, डस्ट होती है, ये बंदों के अंदर भी जाती है, बकरी के अंदर भी जाती है, बच्चों के अंदर भी, फीड के अंदर भी, इतना बड़ी बीमारियां फैलती हैं। अगर ज़मीन से ऊंचे हो ना ये सेट फ्लोर, तो फिर बड़ा कंट्रोल रहता है सारा कुछ। हाँ जी बच्चा पार्टी है,
बाहर आने के लिए बेताब है। चलें जी, दूध पी लिया सब ने, अब बस इनको खोलेंगे तो ये जनाब ये तुम्हारा डालना शुरू कर देंगे। इस कदर बेचैनी की कैफियत है इनमें, जल्दी जल्दी हमें खोला जाए। लेकिन खोलने से पहले ये पानी शानी भर के यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए आ रहा चलता हुआ, टांगे पिछली लड़खड़ा रही हैं। ये टांगे पिछली लड़खड़ा रही हैं। ये बाहर आ गया छलांग लगा के। ये शुक्र किया इन्होंने, सजाती मिली, सीधा मुझे भी हमला कर दिया। और अरे कपड़े खान लग गए। अरे पीछे पड़ गए यार। जैसे फरार हो जाए इससे पहले कि सारे कपड़े खा जाए। कपड़े इधर से भी खाने की कोशिश करते। जो इनका इनिशियल फेज़ होता है ना, बिल्कुल जो इब्तदाई के ख़तरनाक तीन दिन होते हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब ये दूध खुद पीना शुरू कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा ना ये अब खाना भी शुरू कर रहे हैं। तो अब कह लें कि इनका जो रिस्क फैक्टर है ना वो 80% कम हो चुका है, बस 20% रिस्क जो है ना इनका अभी भी है। जब ये 1.5 माह के हो जाएंगे ना तो तकरीबन वो 20% रिस्क मजीद कम हो के 5% रह जाएगा, और जब ये 3 माह हो गए होगी दूध छोड़ेंगे ना तो रिस्क फैक्टर भी 2% रह जाएगा। याद रखिए 2% रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन 100 में से 2 जानवर आपके किसी वक्त भी एक्सपायर हो सकते हैं। दूध पीते नहीं कच्चे। अब सीजन आ रहा है ना, ये बकरे जो है ना जरा हीट साइन शो कर रही है ज़्यादातर ना, तो मौसम खुद रहा है। जंतर की जो टहनियाँ बच जाती हैं जी वो नाई है रात, उसी के ऊपर ही तेल की तैयारी कर रहे हैं। मोबाइल तो अपने नाम गर्म आग हो गया, कह रहे कि लाइट ऑन नहीं करेंगे जब तक ठंडा नहीं होता। इसकी लाइट जलाते हैं। ये देखिए अदनान साहब ने क्या गेम डाल दी। ये सारे लार्वे ना अदनान साहब ने इसमें डाल दिए, काफ़ी सारे लार्वे हो गए हैं इसमें। ओहो हो, नीचे देखें साहब, ऊपर देखें सारे नीचे मटर बेस्ट कर रहे हैं, काम बड़ा ख़राब हो गया मेरे हिसाब से ना, क्योंकि इसमें से अब एस्केप हो रहे हैं ना, ये सारे नीचे फैल रहे हैं। अदनान साहब के काबू नहीं आ पा रहे, ऐसे में पहली बार है उनकी भी, उन्हें भी ना सही समझ नहीं इसकी आ रही। चलो मैं उन्हें कहता हूँ अपने प्यूपे संभाल लें, जो भी नीचे आ गए
अदनान साहब के गेट पे काम कर रहे हैं। अदनान साहब और तुहाड़े प्यूपे ते उन्हां दौड़ां लाईयां ने सारयां ने, पूरे कमरे च प्यूपे फैले ने। असली उन्हां विच पा के आए हैं उन्हां दा पक्का कुछ गाल ला उन्हां को मैं लाया ते आया भाई। ओ ठीक है, बोतल लो ना छोटी, ओदे च पा के ढक्कण दे दो, तू ढक्कण ही मोरियां कर दो, या ढक्कण दे उत्ते कपड़ा ला के जाली दा ओदे उत्ते उन्हां बलेड़ दो। नहीं ओसा वड्डे ड्रम तू जरा गेट पास बनाया होणी, फिर फैल गए ने सारे वेड़े जो ते फैले ने, जब उन्हां नूं समेट लूंगा किसी चीज़ दे। अच्छा चले टीम तो गई जनाब प्यूपे इकट्ठे करने। प्यूपे कह रहे हैं सुबह से इकट्ठे कर रहे हैं, फिर भाग जाते हैं। बतहों का आज नहीं हो सका, बतहों का हो सकता है कल तक या परसों तक ये कर दें। बतहे पिंजरे में शिफ्ट हो जाएंगी तो उनका भी मैनेजमेंट जो है ना वो आसान हो जाएगी। बतहों का फीड टाइम हो गया ना जी, जंज सारी चल पड़ी है खाने के लिए। आज का दिन भी गुजर गया जी, अब प्यूपा कलेक्शन जारी है, सुबह देखेंगे कि प्यूपों को कैसे इकट्ठा करते हैं। मैंने ये मशवरा दिया कि डब्बा लेके उसमें डाल के जाली लगा के उसमें रबड़ लगा दें ताकि ये प्यूपे बाहर ही ना निकले, क्योंकि इन्होंने और दो चार दिन में एक दो दिन में बिल्कुल डारमेंट हो जाना, फिर हिलना ही नहीं। एस्केप रूट दे दें उसमें, जो भी प्यूपा निकले उसी में गिर जाए, उसके अंदर ही रहे फिर, वरना कर ही लेंगे। अब प्यूपे जितना तंग करेंगे तो कोई हाल निकाल ही लेंगे ना। रे जी फिर शाम हो गया, आप करें आराम, सुबह की मुलाकात अल्लाह।